अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास. और पिछले क्लास में हम लोग ने स्टडी किया था उचेरिया बेनोक्रेप्टी का डिटेल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम लोग ने मेल और फीमेल के बारे में उसके पढ़े थे. और आज में उसके लाइफ साइकिल जब हम लोग कंप्लीट करेंगे, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. तो लाइफ साइकिल में मैंने बताया था कि मैच्योर जो फीमेल है वो क्या होती है, ओवो बीवी पेरस होती है. वो क्या करती है, ले करती है एक, और फाइनली वो माइक्रो फाइलेरिया लार्वा को प्रोड्यूस करती है. तो माइक्रो फाइलेरिया लार्वा भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा शॉर्ट नोट्स में आपका इसके बारे में पूछा जाता है. तो इसलिए माइक्रो फाइलेरिया, आज हमारा जो क्लास लेक्चर है वो क्या है, माइक्रो फाइलेरिया उचेरिया बेनोक्रेप्टी का माइक्रो फाइलेरिया लार्वा के बारे में. तो माइक्रो फाइलेरिया लार्वा हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेज लार्वा है. किसका, बेनोक्रेप्टी का, उचेरिया बेनोक्रेप्टी का फर्स्ट स्टेज लार्वा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोफाइलेरिया लार्वा. माइक्रोफाइलेरिया लार्वा क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है. एक शीत के अंडर में क्या होता है, ये पूरी बॉडी क्या होती है, एक शीत से कवर होती है, जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर बॉडी शीत. ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर वो क्या करता है, दिखता है आपको. स्टेन करेंगे तो आपको ये क्या करेगा, बिना स्टेनिंग का आपको माइक्रोफाइलेरिया लार्वा नहीं दिखाई देता है. तो इसके हम कंप्लीट क्या करते हैं, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा है क्या है. तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एडल्ट फॉर्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता. मैंने बताया कि आफ्टर कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन क्या करता है, एडल्ट माइक्रोफाइलेरिया क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा. और क्या है, इट इज द फर्स्ट लार्वा है. क्या है, फर्स्ट लार्वा स्टेज. और ये लार्वा क्या होता है, बहुत ही एक्टिव है, इन्फेक्टिव स्टेज है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को कॉज करता है. ये सेकेंडरी होस्ट के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जाता है. तो हमारा क्या है, एक्टिव फॉर्म लार्वा. इसको एक्टिव फॉर्म लार्वा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बोथ, मतलब हमारा ब्लड स्ट्रीम में विथ एंड विदाउट, मतलब उसके हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम के डायरेक्शन की तरफ या ब्लड स्ट्रीम के मतलब जिस तरह विपरीत दिशा या दोनों दिशा में, मतलब उसके डायरेक्शन और अनडायरेक्शन दोनों तरफ क्या करता है, ये मूव करता है. इसलिए ये वेरी एक्टिव है, यानी एक्टिव लार्वा फॉर्म है. और कैन मूव विथ और अगेंस्ट द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के तरफ या ब्लड स्ट्रीम के अगेंस्ट मूव कर सकता है. इसलिए बहुत ही एक्टिव है. आफ्टर दैट इसकी बॉडी कैसी है, कलरलेस है. कैसा है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, सिलेंड्रिकल एनिमल्स है. कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, सिलेंड्रिकल है. और जब इसकी बॉडी को हम देखेंगे तो क्या होता है, एंटीरियर इन, मान लीजिए एंटीरियर इन है, तो एंटीरियर इन कैसा है, ब्लंट, ठीक है, ब्लंट है. और पोस्टीरियर इन कैसा है, पॉइंटेड, यानी पॉइंटेड टेल है. यानी एंटीरियर ब्लंट हेड रीजन है एंड पोस्टीरियर पॉइंटेड क्या है, टेल रीजन सिचुएटेड है, ठीक है. और अबाउट ये कितना होता है, 290 μ इन लेंथ और 6.7 क्या होता है, माइक्रॉन क्या है हमारा, म्यू क्या है, ये वेट में है, मतलब उसकी मोटाई है, ठीक है. पूरी लार्वा जो होती है उसके ऊपर इनक्लोज होता है हाइलाइन शीथ, क्यूटिकुलर आपका हाइलाइन शीथ से क्या है, वो पूरा कवर्ड है. और इसके अंदर क्या होता है, बियॉन्ड एंड ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, हमारा इम्ब्रियो जो माइक्रोफाइलेरिया हमारा क्या है, क्योंकि ये हैच आउट करता है और ओवो भी पेरिस कंडीशन में है. तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर जो इम्ब्रियो है उस शीत के अंदर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है. यानी पूरी बॉडी किससे कवर्ड है, शीत से, ठीक है, जिस शीत को क्या कहेंगे, हाइलाइन शीत. अगर उसके बाद फिर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसके अंदर बॉडी के अंदर ट्रांसपेरेंट है तो बहुत सारे इसके अंदर सेवरल रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. रूडिमेंट्री मतलब जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ना हो, एडल्ट की तरह हो लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर कंटेन ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर. तो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर में हमारा क्या क्या आता है, ओरल स्टाइलेट आता है. अभी फिगर में आप लोग को मैं पूरा डिटेल अभी दिखाऊंगी. ओरल स्टाइलेट, तो ओरल स्टाइलेट क्या होता है, जहां से ये होस्ट में क्या करता है, होस्ट बॉडी में ये आपका उससे अटैच होता है या न्यूट्रिशन लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, माउथ के आगे चल के ये क्या बनेगा, माउथ में चेंज हो जाता है. तो ये क्या है, ओरल स्टाइलेट है. फिर ओसोफेगस होता है, रूडिमेंट्री ओसोफेगस है. नर्व रिंग है इसके पास. एक्सक्रीटरी आपका पोर है, एक्सक्रीटरी ब्लडर है, रेनल सेल है.
ठीक है, रेनिस सेल भी क्या है, एक्सक्रेटरी का ही एक पार्ट है और सबक्यूटेनियर एपिडर्मल सेल है, साथ ही साथ सोमेटिक सेल होता है, इनर में आपका डार्क कलर का मास सेल होता है, जब स्टेन करेंगे तो पता चलेगा, और टेल रीजन में हमारा क्या है, जेनिटल सेल है, और मतलब पूरी बॉडी में आपका क्या है, जेनिटल सेल भी है, मास सेल भी है, और एंटीरियर पोस्टीरियर के इन में हमारा क्या है, एनस है, ठीक है। अब हम क्या है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है जो क्या करता है, मैन में आपका इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, आपका बाय ए मॉस्किटो, ये हमारा जो वेक्टर है क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है मैन में, और ये वेक्टर जो हमारा सेकेंडरी होस्ट है वो क्या है, आपका मॉस्किटो है। तो किस तरह का मॉस्किटो है हमारा, कुलेक्स फैटिगन्स, ठीक है, फैटिजेंस क्या करते हैं, इसको सक करते हैं, ब्लडी मिल से क्या करते हैं, सक करते हैं, और इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फेक्शन को कैरी करता है। आफ्टर डेथ ये क्या होता है, अपना बाकी का लाइफ साइकिल कहाँ पूरा करता है, ये तो हमारा मैन में हुआ, बाकी का लाइफ साइकिल कहाँ पूरा करता है, आपके मॉस्किटो में। जब ये मॉस्किटो के अंदर चला जाता है तो मॉस्किटो के डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब स्टमक में जाके क्या होता है, इसकी हाइलाइन जो कवरिंग है, हाइलाइन सीट की जो कवरिंग है वो क्या होता है, कास्ट ऑफ हो जाता है, मतलब उसके डाइजेस्टिव जूस से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, फिर वहां से वो थोरेसिक में जाके उसके प्रोबोसिस से होके फिर उसके नेक्स्ट जब वो बाइट करता है दूसरे पर्सन को तो वहां जाके वो क्या करेगा, उसके अंदर इस दौरान वो क्या करता है, मॉल्टिंग करता है, क्या करेगा, बहुत सारी मॉल्टिंग, यानी थर्ड स्टेज में मॉल्ट करेगा 3 बार, और फाइनली क्या होगा, शॉर्ट एंड थिक हो जाएगा, उसके कास्ट हट जाएंगे, और फाइनली वो क्या करेगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर फर्दर इसको कोई मॉस्किटो, अगर ये ह्यूमन में है, मैन में है, और इसको अगर कोई मॉस्किटो क्या करे, सक ना करे, ब्लडी मिल की तरह, मतलब इसको अपना सक ना करे, तो क्या होगा, आफ्टर 70 डेज ये क्या होगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा, 70 दिन के बाद ये हमारे फिर ब्लड में क्या हो सकता है, जीवित नहीं रह सकता और मर जाएगा। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, आपका ये माइक्रोफाइलेरिया लावा है उचेरिया बेनक्रॉप्टी के, ठीक है। तो सबसे किनारे हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसमें हमारा क्या है, एंटीरियर एंड कैसा है, आपका ब्लंट हेड है, और पोस्टीरियर कैसा है, पॉइंटेड है। अब पूरी बॉडी कवर्ड है हमारा किससे, आपके क्यूटिकुलर बॉडी सीथ से, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलाइन सीथ, अभी आपको बताया था। एंटीरियर एंड में हमारा थोड़ा सा नीचे क्या है, ओरल स्टाइलेट है, जो क्या होगा, आगे चल के माउथ में चेंज हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे हमारा क्या है, बॉडी के जस्ट नीचे क्या है हमारा, आपका इपिडर्मल का लेयर है। तो ये इपिडर्मल डर्मिस का लेयर क्या है, सब क्यूटिकुलर सेल, ये जो रेड रेड मैंने दिखाया है दोनों तरफ, ये क्या है, बॉडी के जस्ट नीचे क्या है, सब क्यूटिकुलर सेल या इपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है। एंटीरियर में हमारा क्या है, आपका पूरी बॉडी जो है इसकी 2-3 जगह क्या होता है, आपका इंटररप्चर्ड है, जहां पे आप देख सकते हैं नर्व रिंग, जहां पे हमारा नर्व रिंग प्रेजेंट है वहां हमारी बॉडी क्या है, मतलब ये इंटररप्चर यानी नर्व रिंग है इंटरनली। आफ्टर डेथ हमारा नर्व रिंग के जस्ट नीचे ही चलेंगे तो वहीं हम लोग देखेंगे नेफ्रिडियो बोन, यहाँ एक क्या है, अपर्चर है, छिद्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियो बोन है हमारा, और ये क्या है, इसकी एक्सक्रेटरी पोर भी कह सकते हैं। नेफ्रिडियल पोर किसमें ओपन हो रहा है, आपका ब्लैडर में, नेफ्रिडियल ब्लैडर में है, और ये ब्लैडर के जस्ट ऊपर नीचे हमारा कौन सा सेल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, रेनिट सेल, तो ये हमारा रेनिट सेल पाया जा रहा है। अब थोड़ा सा और हम लोग नीचे, दोनों तरफ हमारा क्या है, सब क्यूटिकुलर सेल है एपिडर्मिस, आप देख रहे हैं पूरी बॉडी में। अब जब हम नीचे आ रहे तो इसके अंदर पूरा एज ए लॉन्ग सेंट्रल एक्सेस के अंदर अगर देखिए तो डॉट डॉट मैंने ब्लैक स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारा क्या है, सोमेटिक सेल्स है। क्या है, सोमेटिक सेल्स, जो क्या करेंगे, बॉडी के पार्ट्स को, पार्ट्स के फॉर्मेशन करेंगे। और जस्ट उसके नीचे हमारा क्या है, आपका थिक, देखिए इनर मास है आपका, डार्क कलर का हमें क्या दिख रहा है, इनर मास। आफ्टर डैट हम जब इसके पोस्टीरियर रीजन में चल रहे हैं, टेल है हमारा, टेल के जस्ट हम थोड़ा सा पोस्टीरियर के अप में थोड़ा सा जाते हैं तो एक क्या है, और भी एक पोर है जिसको हम क्या कहते हैं, एनस, ठीक है, क्या है, एनस है। और
इस सोमेटिक सेल्स में हमारे कुछ सेल्स जैसे 4 लार्ज, मैंने यहाँ बनाया 1, 2, 3, 4, ये क्या पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है माइक्रोफाइल एरिया में, 4 लार्ज सेल पाए जाते हैं। कितना है देखिए, 1, 2, 3, 4, यानी 4 लार्ज सेल पाए जा रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इसके लाइफ साइकिल में जब मैं बताऊंगी तो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का स्ट्रक्चर जानना या इसकी मॉर्फोलॉजी जानना बहुत ही जरूरत था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है। इनसाइड आपका मैन के बाद हमारा मैन में जो भी आपका माइक्रोफाइलेरिया लार्वा क्या होता है, आफ्टर दैट सेकेंडरी होस्ट जो है हमारा मॉस्किटो, उसके द्वारा क्या होता है, सब किया जाता है। तो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा क्या होता है, अनेबल टू डेवलप, क्या होगा, ये फर्दर डेवलप नहीं हो सकता ह्यूमन बॉडी में, और ये क्या होगा, सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट के द्वारा क्या होगा, ये सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट हमारा क्या है, मॉस्किटो है। क्या, कौन सा मॉस्किटो, मैंने बताया था पुलेक्स पैटिगंस, तो ये मॉस्किटो के द्वारा क्या होगा, आपका सब किया जाएगा, और इसके बाद इसका लाइफ साइकिल किसमें कंप्लीट होता है, मॉस्किटो में। तो इनसाइड द मॉस्किटो लार्वा क्या करेगा, अंडरगोज, मतलब जाता है इग्डाइसिस। इग्डाइसिस क्या होता है, मॉल्टिंग प्रोसीजर है, जिसमें क्या होता है, एक लार्वा स्टेज से क्या होता है, दूसरा लार्वा स्टेज में वो चेंज होता है। तो इग्डाइसिस प्रोसेस या मॉल्टिंग की वजह से ये क्या करेगा, थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज का लार्वा में चेंज हो जाएगा, और फाइनली मॉस्किटो क्या करेगा, इसको कैरी करेगा एज ए कैरियर, और डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। और आफ्टर दैट फिर क्या होगा, इनसाइड मैन माइक्रोफाइलेरिया लार्वा हमारा क्या करेगा, सो डे एंड नाइट पीरियडिसिटी, मतलब माइक्रोफाइलेरिया लार्वा मैन के अंदर क्या करता है, डे एंड नाइट पीरियडिसिटी को दर्शाता है, और ड्यूरिंग डे टाइम ये क्या करेगा, डे टाइम में क्या होगा, ये विसरल लाइन में चला जाता है, यानी ब्लड स्ट्रीम या ब्लड के कहां हमारा चला जाएगा या बॉडी में कहां चला जाएगा, विसरल लाइन, विसरल मतलब जो हमारा इंटरनल ऑर्गेन है। और ड्यूरिंग नाइट टाइम जब मॉस्किटो बाइट करता है तो दे कम इन पेरिफेरल सर्कुलेशन, क्या करेगा, हमारे ब्लड यानी क्यूटेनियस सर्कुलेशन में, या क्यूटेनियस जो हमारा वेन है या ब्लड सर्कुलेशन है वहां पे ये चला जाता है। तो मैन में हमारा क्या दिखाता है ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डे एंड नाइट प्यूरोसिटी। डे एंड नाइट प्यूरोसिटी मीन्स ड्यूरिंग डे टाइम क्या करेगा, इट अंडरगो विसरल लाइन, एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या करेगा, दे गो या दे कम इन टू गोनिंग, दे कम इन टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो इस तरह हमारा क्या है, ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा क्या करता है, बोथ मैन और मॉस्किटो के अंदर क्या करेगा, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, और फर्दर ये क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप लोग प्लेलिस्ट, हमारा इसका प्लेलिस्ट भी बना है, अगर इसके प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखे हैं उचेरिया का, तो आप उचेरिया का प्रीवियस वाला मॉर्फोलॉजी का वीडियो देख लीजिए, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। ओके।